Welcome back to the Eid vlog. Hello and assalamu alaikum. Welcome back ho gaye tum sab ka vlog ke sath. So viewers, aaj hai Eid. To meri taraf se khaas to meri taraf se aap sabhi logon ko mere subscribers and viewers aap sabhi logon ko dil se ईद मुबारक पा रहे हो यार। थोड़ा सा हवाएं ले। आए हाय हाय, रात बिल्कुल नहीं सोया। 2 बजे तो एडिटिंग मेरी खत्म हुई है। मैंने कहा यार अब ब्लॉग डाल कर ही सोते हैं। तो 2:30 बज गए। उसके बाद मैंने कहा यार अब क्या सोना, यार सोने का कोई फायदा ही नहीं होना। उठे रहते हैं फ्रेश। इधर आए वो पार्क, अपने कॉलोनी के पार्क में आए हूँ। बस सुबह ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आज है ईद। मैं सोया भी नहीं है, नमाज पढ़ी है। नमाज डायरेक्ट आते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं क्योंकि आप लोग सभी ब्लॉग इंतजार कर रहे होते हैं मेरे ब्लॉग्स का। बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स भी करो यार, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने कहा यार थोड़ा चल भी लेते, टिट शिट थोड़ा कम शम कर लांगे यार। अभी मैं वहां से चढ़ के आया हूँ। ये है बड़ी ईद का। यहाँ पे चलते 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 मैनू पता भी नहीं चलिया एकदम ये चीज यार, जगह टूटिया टूटी। इस साइड से धूप निकलती है तो करो के इस साइड से बादले आ जाए यार। देखो यार एक और आपको बताता हूँ, मेरे एक सब्सक्राइब भी मिल गए थे वहां पे। उन्होंने मुझे कहा कि यार मैंने आपको यूट्यूब पे देखा है। दिल से दिल पे खुशी हुई थी ना कि एक बंदे ने कहा कि भैया ब्लॉगर हो। आए हाय 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 हाय, ऐश्वर्य करवाते हैं फिर आप। कॉल आ रही, भाई की कॉल आ रही। अस्सलाम वालेकुम। क्या भाई, मैं तो यार व्लॉग शूट कर रहा हूँ यार, इंट्रो कर रहा हूँ मैं तो। थोड़ी कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। तो भाई यार टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है। कैसे अंकल जी, ईद हमारी हर की साइड पे जा ही रहा हूँ। ईद की नमाज का टाइम हो गया यार। एनीवेज अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, किस चीज का वेट करते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मेरा हर एक ब्लॉग आप तक पहुंचता रहे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्लीपर्स वगैरह ही पहनेंगे क्योंकि तुम्हें पता ही है मसला हो सकता है, जिदा जुत्ती चुकी जाती। तो खाते हैं मीठा, मीठा खाने के बाद चलते हैं नमाज पढ़ने। ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक। तो व्यूअर्स खा के फ्री हो चुके हैं, अब चलते हैं नमाज पढ़ने। इसको मास पढ़ के फ्री हो चुके हैं, अब चलते हैं घर, घर की तरफ। लेट्स गो। अभी मैं ऐसी ठंडी ठंडी हवाओं में सो रहा था। इस टाइम बज रहे हैं 2। अल्हम्दुलिल्लाह का प्यारा मौसम हो चुका है। हाय 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 हाय, शुक्र अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि इंशाल्लाह बारिशें भी हो ही जाएंगी ताकि हम लोग गोश्त वगैरह भी लेते हैं। शिट बड़ा बड़ा होके बड़ी ईद है तो गोश्त वोश्त खाएंगे, ऐसे इंजॉय करेंगे। तो रात थोड़ी भूख वगैरह लग रही थी तो पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाया। गोश्त में भी आने में टाइम है, रिसीव करते पिज़्ज़ा। हाय 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 खाते हैं, मुकाते हैं तो फिर उसके बाद चलते हैं वहाँ पे जाके गोश्त उठाते हैं। तो देख सकते हो यार दोबारा धूप आ गई, कोई फायदा नहीं हुआ क्या बारिश का, बादल आने का कोई फायदा नहीं। यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ से गोश्त रिसीव करते हैं। गोश्त रिसीव करने के बाद चलते हैं घर, घर जाके पकाएंगे, शौक से खाएंगे।
बाकी कॉज उसमें पड़ा हुआ है। छोपर जरा कम पड़ गए गोश्त लाने के लिए, तो अभी लेने चलते हैं। छोपर वोपर ले लिए, अब चलते हैं घर। घर जाके गोश्त वगैरह डालते हैं इसमें। ये भाई शॉपर वगैरह बनवा दिए हैं, ये उनके लिए जो हमारे घर काम वगैरह करते हैं उनका हिस्सा भी होता है। अपना हिस्सा, एक हमारा हिस्सा होता है, एक मस्किनों का, एक काम वगैरह जो करते हैं उनके लिए, और एक रिश्तेदारों के लिए होता है। उनके लिए हम लोग ने ये वगैरह हिस्सा बना दिया है, देख सकते हैं आप लोग। आप लोग को एक और बात बता दूँ कि हम लोग ने इधर कुर्बानी इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पर सारा खून वगैरह फैल जाता है, सारा ख़राब हो जाती है रोड्स वगैरह। इसी वजह से हम लोग ने टाउन में कुर्बानी का सारा सेशन होता है, तो उधर ही हम लोग ने कुर्बानी वगैरह गोश्त वगैरह बना के तो हमें दे दिए उन्होंने। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी? तो पहले रिश्तेदार आ गए हैं। छोड़ दे तू। भाई ये चार चार चौपर है, छोड़ दो। ये पकड़ो अली, दोनों नहीं फड़ने हैं बेटा। ओए की बात है, ठीक हो? बोल लिया दे, इतना लिया।